हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देकुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जॉन को किचन में आते हैं पेस्ट्री बनाने के लिए, लेकिन उसको पेस्ट्री बनाना नहीं आते हैं। वो क्या करने वाले हैं उसको समझ में नहीं आ रहा था। जॉन कुक ने पहले ही सारे मेड को मना कर दिया था किचन में आने के लिए, तो कोई मेड किचन में नहीं आ रहा था जॉन कुक के डर से। फिर जॉन कुक को याद आते हैं, हाँ आजकल नेट पर सर्च करने में सब कुछ मिल जाता है, तो एक पेस्ट्री बनाना कौन सी बड़ी बात है। वो लैपटॉप निकालते हैं और उस पर पेस्ट्री बनाने की रेसिपी सर्च करते हैं। उसको देखकर ही जॉन कुक डे के लिए पेस्ट्री बनाना शुरू करते हैं। जॉन कुक को पेस्ट्री बनाने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो डे के लिए पेस्ट्री बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ही प्यार से डे के लिए पेस्ट्री बनाते हैं और उस पर बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉबेरी बनाते हैं और डे के लिए डेकोरेट करते हैं। पेस्ट्री पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद जॉन कुक उसको लेकर कमरे में जाने लगते हैं। सारे मेड जॉन कुक को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जॉन कुक की हालत खराब हो चुके हैं। जॉन कुक बिल्कुल जोकर लग रहे थे। सब लोग उसको देखकर हंसना चाहते हैं, लेकिन जॉन कुक के डर से हंस भी नहीं सकते हैं। जॉन कुक सब लोगों को घूरे जा रहे थे और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, अभी अगर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। सब लोग यहाँ से डर से भाग जाते हैं और उसके बाद जॉन कुक पेस्ट्री लेकर तेई के पास जाते हैं। तेई सो चुके थे, वो सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जॉन कुक तेई को ही घूरे जा रहे थे। वो पेस्ट्री को एक साइड पर रख देते हैं और तेई के पास बैठकर उसकी बालों पे हाथों को सहला रहे थे और उसकी फेस को देखकर बोलते, तुम इतना हैंडसम क्यों हो, तुम्हारी फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तुम बहुत ही इनोसेंट लग रहे हो सोते हुए देखकर, तुम हमेशा से ही इनोसेंट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, पता नहीं तुम कब समझोगे, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे तो अभी पता चला कि मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री भी बना सकता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने पेस्ट्री बनाई है। माफिया किंग जियोन जॉन कुक ने अपने हस्बैंड के लिए पेस्ट्री बनाया है, क्या ये कोई सोच सकता है, नहीं ना। ते अपनी आइज ओपन करते हैं और बोलते हैं, क्या लगा के रखा है, मैं सोया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी आंखें को बंद करके रेस्ट कर रहा था, लेकिन आप मेरी यार के पास अगर इतनी बातें करोगे तो मैं कैसे सो पाऊँगा। हाँ और ऐसे भी मैं बहुत ही सैड हूँ, जॉन कुक बोलते हैं, लेकिन तुम सैड क्यों हो। ते बोलते हैं, वो मुझे वो पेस्ट्री नहीं मिला ना, इसलिए मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, आप तो जानते हो, फिर भी क्यों पूछ रहे हो। जॉन कुक ते को बोलते हैं, लेकिन तुम ही ने तो कहा ना कि तुम्हें वो पेस्ट्री नहीं खाना है, इसलिए तो हम उस शॉप से आ गए थे, अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ। ते बोलते हैं, नहीं मुझे फ्रेश नहीं होना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आए हो और आपने अभी अभी कहा था, मैंने सुन लिया है सब कुछ, नाटक करना बंद करो और मुझे पेस्ट्री दो, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रेश नहीं होना है। जॉन कुक ते को बोलते हैं, अगर तुम्हें वो पेस्ट्री चाहिए तो फिर एक शर्त मानने होंगे। ते बोलते हैं, क्या शर्त, अब कौन सा शर्त है जो आप मुझसे कराने वाले हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे वो पेस्ट्री चाहिए क्योंकि वो पेस्ट्री की खुशबू बहुत ही अच्छा लग रहा है। जॉन कुक बोलते हैं, क्या पेस्ट्री और उसकी खुशबू। ते बोलते हैं, हाँ स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री की कुछ अलग सा ही खुशबू है जो मुझे उसके ओर खींचकर लेकर जाते हैं और मुझे बहुत ही खाने का मन होता है, मुझे वो खाना है, प्लीज़ अगर आपने मेरे लिए बनाया है तो ऐसा मत करो ना, जल्दी से दो, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए बना कर ले आए हो और अभी अभी आपने कहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, अगर ऐसा है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे जल्दी से वो पेस्ट्री दो। जॉन कुक बोलते हैं, वो पेस्ट्री अगर चाहिए तो मुझे किस करना होगा, वरना मैं तुम्हें वो पेस्ट्री नहीं दूंगा। ते बोलते हमेशा ऐसे क्यों करते हो आप, ब्लैकमेल करना ज़रूरी है क्या, और इस पेस्ट्री के लिए आप दोबारा से किस क्यों करना पड़ेगा, उस टाइम पे तो मैंने आपको किस कर दिया था और वो पेस्ट्री नहीं मिला। अचानक जॉन कुक ते को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको कस के पकड़ के बोलते हैं, ते सच बोलो, क्या तुम मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे हो ना, क्या तुम ठीक हो चुके हो। ते बोलते हैं, क्या अब क्या बोल रहे हो, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, मेरे पैर में ज़्यादा चोट नहीं लगी है, अब बहुत ही बेहतर फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, अगर ऐसे आप मुझे पकड़ोगे ना तो फिर मैं उस पेस्ट्री को कैसे खा पाऊँगा। जॉन कुक ते को छोड़ देते हैं और बोलते हैं,
सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ दोबारा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे नाटक कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा मत करो ते, मैं कभी कभी बहुत ही कन्फ्यूजन में चले जाता हूँ क्योंकि तुम बातें ही ऐसे करते हो। सॉरी तुम पर शक करने के लिए, ते बोलते हैं आप क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मुझे वो पेस्ट्री दो, मैं अभी खाना चाहता हूँ। क्या किसी और के लिए लेकर आया हो क्या, वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलते हैं। ते बहुत ही क्यूट लग रहा था गुस्सा करते हुए। जानकुक ते की नोज़ पकड़ के बोलते हैं, इतना क्यूट बनने की कोशिश मत करो, वरना पेस्ट्री के अलावा कुछ और ही मिलेगा जो तुम्हें बहुत ही पेन फील कराएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो, ते बोलते हैं। नहीं, आप मुझे डरा क्यों रहे हो। उसके बाद जानकुक ते को वो पेस्ट्री देते हैं और बोलते हैं, इसको टेस्ट करके बोलो कैसा बना है। मैंने पहली बार बनाया है तुम्हारे लिए, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार करते ना तो तुम मुझे खुद किस करते और बोलते थैंक यू, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ते बोलते हैं, मैंने अभी तक इस पेस्ट्री को खाया भी नहीं, ये कैसे बने हैं मैं नहीं जानता हूँ, और पहले आपको किस कर दूँ ये कैसे हो सकता है। पहले मुझे इस पेस्ट्री को टेस्ट करना होगा कि ये कैसे बने हैं, फिर मैं आपको सोचूंगा कि मैं आपको किस कर सकता हूँ या नहीं। जानकुक ते की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम बहुत ही शैतान बनते जा रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ रात को, इसके लिए तैयार रहना। जानकुक की बातें सुनकर ते बेड के कॉर्नर पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पेस्ट्री नहीं चाहिए। जानकुक बोलते हैं, क्या सच में तुम्हें पेस्ट्री नहीं चाहिए। तुम्हें ठीक है, मैं इसको लेकर जाता हूँ और मैं खुद ही इसको खा लूँगा। ते बोलते हैं, क्या सच में लेकर जा रहे हो। जानकुक बोलते हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हें नहीं खाना है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था बहुत ही मेहनत से, लेकिन तुम मुझे एक किस करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेकर चला जाता हूँ। ते जानकुक को बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं आपको किस करने के लिए तैयार हूँ। जानकुक ते के पास आते हैं और बोलते हैं, मैं 1 से 3 तक गिनूँगा, उसके बीच में ही तुम्हें मुझे किस करना होगा। ते जैसे जानकुक काउंट करना शुरू करते हैं, ते उसके फोरहेड में किस करते हुए जानकुक के हाथ से पेस्ट्री लेकर खाना शुरू करते हैं। जानकुक ते को देखकर घूरने जा रहा था, वो मन में यही सोच रहे थे, ते कितना क्यूट लग रहे हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था ते को इतना अच्छे से पेस्ट्री खाते हुए देखकर। ते को पेस्ट्री बहुत ही टेस्टी लग रहा था, इसलिए उसने पूरी पेस्ट्री को खा लिया। जानकुक ते को बोलते हैं, ए तुमने क्या किया, तुमने पूरी पेस्ट्री खुद ही खा गए, मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मैं खाना चाहता हूँ या नहीं। मैंने पहली बार पेस्ट्री बनाया था, मुझे तो पता भी नहीं है कि पेस्ट्री कैसे बने। चलो मुझे टेस्ट करने दो, मुझे देखना है कि ये अच्छा बना था या बुरा, तुमने कुछ कहा भी नहीं। ते बोलते हैं, आप कैसे टेस्ट करोगे, मैंने सारा खा लिया है, सॉरी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जानकुक बोलते हैं, क्या सच में तुम्हें बहुत अच्छा लगा। ते बोलते हैं, हाँ बहुत ही टेस्टी था, और ये इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, उस शॉप से भी ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए मैंने खुद को नहीं रोक पाया और पूरा पेस्ट्री को ही खा लिया, सॉरी। जानकुक बोलते, नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पेस्ट्री टेस्ट करना है, और कुछ भी करके तुम्हें ये मुझे करना होगा। ते बोलते हैं, लेकिन कैसे करूँगा, मैंने सारा खा लिया है, एक भी नहीं बचा, थोड़ा सा भी नहीं। जानकुक बोलते हैं, लेकिन मुझे तो टेस्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते हैं, ते के सर के पीछे एक हाथ को रखते हैं और ते के होठों को किस करना शुरू करते हैं। ते बहुत ही शौक हो जाता है कि इस तरह से कैसे वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जानकुक अपनी टंग से ते की मुंह पे सक कर रहा था और उसको कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही जानकुक ते से अलग होते हैं, ते जानकुक को बोलते हैं, ये आपने क्या किया, आपने कहा था आपको पेस्ट्री टेस्ट करना है, लेकिन आपने मुझे किस क्यों किया। जानकुक बोलते हैं, क्योंकि तुमने पूरी पेस्ट्री को खा लिया है, और अगर मैं पेस्ट्री को टेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हें किस करने के अलावा, समझे। ते बोलते हैं, आप बहुत ही नॉटी हो। जानकुक बोलते हैं, तुम्हें सब कुछ पता है ना। ते बोलते हैं, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, आपने तो कहा, इसलिए मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है, समझे। जानकुक बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। अब तुमने इतना सारा पेस्ट्री खा ही लिया है तो चलो ब्रश कर लो। ते बोलते हैं, अभी ब्रश करना ज़रूरी है क्या,
मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए सोना है। जंकू बोलते, नहीं अभी तुम्हें जाकर ब्रश करना होगा। लेकिन ते को अभी ब्रश करने के लिए नहीं जाना है, वो अभी सोना चाहते हैं। लेकिन जंकू उसको ज़बरदस्ती अपने गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और बोलते हैं, लो मैंने टूथपेस्ट लगा दिया है, अभी ब्रश करो वरना मैं खुद तुम्हें ब्रश कराऊँगा। जंकू की बात सुनकर ते बोलते, नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से करते हो और मुझे बहुत ही पेन फील होता है, मेरे टीथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। जंकू बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैंने इतना कुछ पूछा थोड़ी है जो तुम बोल रहे हो, एक बार गलती से हो गया है, तुमने उस बात को अभी भी याद रखा है, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, समझे? अगर तुम चाहो तो मैं प्यार से भी कर सकता हूँ। ते बोलते, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। उसके बाद योंगी आ जाते हैं नीचे और वो आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, ते कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हें चेक करना है। योंगी की आवाज़ सुनकर ते बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आ गए हैं मुझे चेक करने के लिए, मुझे जल्दी से ब्रश करना होगा क्योंकि मुझे उनसे मिलना है, वो बहुत अच्छे हैं और मुझे पैर में चोट भी लगी है ना, मुझे उनको दिखाना भी है। जंकू गुस्सा करते हुए बोलते हैं, वो वापस आ गए हैं, वो इसी टाइम पर क्यों आते हैं हमेशा, और तुम्हारी पैर को उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बैंडेज कर दिया है ना, वो ठीक हो जाएगा, तुम उसको अपने पैर नहीं दिखाओगे। ते अपना मुंह बनाता है और जंकू को बोलते हैं, लेकिन क्यों? जंकू बोलते हैं, मैंने कहा ना उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ते बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद वो ब्रश कर लेते हैं जल्दी से। जंकू बोलते, इतनी जल्दी से क्यों ब्रश कर रहे हो, थोड़ा स्लोली करो वरना तुम्हारे टीथ से खून निकल आएगा। ते बोलते, नहीं नहीं मैं अच्छे से कर लिया है, मुझे और करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो माउथ वॉश करने के बाद योंगी के पास जाने लगते हैं। जंकू ते के हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो कहा ना तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ, तुम जाकर रेस्ट करो, उसे सुबह को मिल लेना, अभी मिलना ज़रूरी नहीं है। ते बोलते, नहीं मुझे उनसे मिलना है, उन्होंने मुझसे कहा था वो मुझे चेक करने के लिए आएगा, लेकिन पूरे दिन मैं इतना बिजी था आपके साथ, मैं उनसे मिल ही नहीं पाया, मुझे अभी उनसे मिलना है। जंकू बोलते, मैंने मना किया ना, फिर भी तुम जाने की जिद क्यों कर रहे होते, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाना ज़रूरी है क्या? ते बोलते, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने के लिए जा रहा था, वो मेरा डॉक्टर है ना, आपने तो कहा कि वो मुझे ठीक कर सकते हैं, और ऐसे भी मेरे पैर पर चोट लगी है, लेकिन आप मुझे दिखाने के लिए मना कर रहे हो, मैं समझा नहीं आप ऐसे क्यों करते हो हमेशा, कुछ देर पहले बहुत ही प्यारे लग रहे थे आप, मुझे आपको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी। जंकू बोलते, अभी क्या, क्या तुम्हें मैं अभी अच्छा नहीं लग रहा हूँ? हाँ ते बोलते, नहीं आप बहुत ही डेविल लग रहे हो। जंकू गुस्से से ते को बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें मैं डेविल लग रहा हूँ तो फिर कौन अच्छा लग रहा है, वो योंगी जो कैट जैसा दिखता है, उसके साथ तुम्हारी इतना घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं, और ऐसे भी मैं उस डॉक्टर को मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उसको ज़िंदा रखा है, पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी है जो मुझे उसकी शक्ल देखना पड़ रहा है, वरना मैं तो उसको कब का मार चुका होता। ते जंकू को बोलते हैं, आप किसी को जन्म दे सकते हो क्या? जंकू ते की तरफ देख रहे थे कि अचानक ते ने ऐसा क्या बोल दिया है, जिसको सुनकर जंकू को बहुत ही शौक लग जाता है। क्या ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आता कहाँ से है? ते बोलते, हाँ मैंने सही कहा, क्या आप किसी को जन्म दे सकते हो, अगर नहीं तो आप किसी को मार कैसे सकते हो? जंकू ते को बोलते, चलो मेरे साथ, उसकी हैंड पकड़ के योंगी के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं, इसको अच्छे से चेक करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार डालूँगा। योंगी बोलते हैं, क्या हुआ, तुम उसको इस तरह से यहाँ पर पकड़ के क्यों लेकर आए हो, उसने क्या किया है, उसके हैंड में दर्द हो रहे होंगे, छोड़ो उसको। जंकू बोलते हैं, वो मेरे हस्बैंड है, तुम्हें उसके फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसको चेक करके इतना बताओ क्या वो ठीक हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे उसकी बात सुनकर लगता है वो अब ठीक हो चुके हैं। योंगी बोलते हैं, क्या क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन उसको अभी ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा देर है, हम बता नहीं सकते हैं कभी भी वो ठीक हो सकते हैं, इसका चांस बहुत है, लेकिन अभी भी
वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। जंगकुक बोलते हैं, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो चुके हैं। वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसने अभी जो कहा है वो कोई बच्चा नहीं बोल सकता है। वो बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। यूंगी जंगकुक को बोलते हैं, वो एडल्ट है, ये तुम भी जानते हो। वो बस एक शौक की वजह से 10 साल का बच्चा बन गया है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी उसकी बातों से कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब एक गुड न्यूज़ है उसका ठीक होने का। वो कभी भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, जो तुम सोच रहे हो जंगकुक। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी बातों से कभी कभी मुझे भी लगता है कि त्यांग ठीक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ठीक हो जाता तो मुझे वो पहचान लेता कि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त रहा करता था, लेकिन नहीं, वो मुझे एक डॉक्टर की तरह ही देखता है। जंगकुक बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो कभी ठीक ना हो। अगर ऐसा है कि ठीक होने के बाद वो तुम्हें पहचान ले और तुमसे बातें करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ते तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ बहुत ही खुलकर बातें करे, हंस के बातें करे। यूंगी बोलते हैं, क्या मजाक कर रहे हो तुम? ते अभी भी मेरे साथ बहुत ही खुश होकर बातें करते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? हाँ मैं मानता हूँ उसका अभी ऐसा लगता है कि मैं उसका सिर्फ डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर भी एक दोस्ती होते हैं और ते और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद दोस्ती से भी ऊपर थे हम। तुम बीच में कब आ गए और कैसे आ गए मुझे नहीं पता। जंगकुक यूंगी की कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मेरी ते के करीब आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? यूंगी जंगकुक को बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? तुम ते के सामने मारने की बात कैसे कर सकते हो, उसको डर लगेगा। तो फिर जंगकुक और यूंगी दोनों ही ते की तरफ देखते हैं। ते सो चुके थे, वो गहरी नींद में है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, झगड़ रहे थे, ते सोफे पे बैठकर बहुत ही चैन से सो रहा था। और यहाँ पे यूंगी और जंगकुक दोनों ही ते को घूरे जा रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बटरफ्लाइज। बाय बाय।